सो गाइस फाइनली चल रहे हैं, लड़का से मैच खेला है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मेरे तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। सो गाइस आप देख सकते हो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल गाछी में खड़ा हूँ और मेरे हाथ में ये दबिया है। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अब देख सकते हो, अब समझ सकते हो मैं कहाँ आया हूँ और क्या करने आया हूँ। और वीडियो में आप सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने आया हूँ। और यहाँ पर भाई मेरा खेत है ना, मैं अपने खेत में आया हूँ काम करने के लिए। सो भाई देख सकते हो सबतर का लहरी कट चुका है और इधर कोनो कोनो आरी पर लहरी लगा हुआ है, तो वो मेरा नहीं है। झूठ बोल रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी लहरी काटने आया हूँ, अभी फिलहाल गाछी में हूँ और भाई धूप तगड़ा हुआ है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, धूप तगड़ा है तेरा भाई गाछी के ऊपर से। तो गाइस फाइनली चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अपना लहरी काटते हैं, चार गुआरी पर लहरी है भाई, तो लहरी काटते हैं और लहरी काट कर उसको बोझा बांधना है तो, और उसको ढोकर ले चलना है अपने घर। तो गाइस आ चुके हैं, ये मेरा लहरी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये है तो इतना अभी शुरुआतें किए हैं, इतना अभी काटवे किए हैं। ये है भाई, अभी लहरी नहीं है, बहुत कम है लहरी खड़ा हुआ। तो शुरुआत करते हैं काटने का, चलते हैं। और भाई आपका भाई आज किसान बन चुका है। सो फाइनली गाइस दो आरी पर के लहरी काट दिए हैं और बचा है दो आरी पर, तो वो भी काट देते हैं। देख सकते हो उस पर के भी काट दिए हैं, लहरी नीचा गिरा हुआ है, यहाँ पर भी काट दिए, सब काट दिए हैं। और बचा है वो आरी जो सामने नज़र आ रहा है, वो आरी बस दो आरी पर और काटना है, उसके बाद इसको बोझा बांध कर ले जाना है घर। तो काटते हैं। और भाई धूप बड़ी तगड़ा है, धूप लग रहा है, फिर भी हवा चल रहा है तो पता नहीं चल रहा है इतना धूप। अगर हवा नहीं रहता तो भाई हालत ख़राब कर देता। तो चलिए काटते हैं, वो भी काट देते हैं। सो गाइस फाइनली चारों आरी पर के लहरी काट दिए हैं। अरे भाई थक गए भाई, काफ़ी रौदा है ना, हवा भी चल रहा है। आप देख सकते हैं सब आरी पर के लहरी काट दिए, पूरा खाली खाली है। तो भाई चार वो आरी था, यह देख सकते हैं सब काट कर गिरा दिए हैं और काट दिए हैं। और बोझा भी नहीं बांध सकते हैं, इसको सूखने देते हैं 2 दिन, तब इसको बोझा बांध कर ले जाएंगे, फिर इसको झाड़ेंगे, तब छुरेंगे, तब इसमें से दाना निकलेगा। भाई किसानी में बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत मेहनत है किसानी करने में। तो भाई चलते हैं फिर, अभी ठंडा जितना उस हवा से सुख नहीं मिलता होगा ना, उतना इस हवा से भाई सुख मिलता है, क्योंकि ये प्राकृतिक हवा बह रहा है और प्राकृतिक हवा में फायदा भी है। इस हवा से आपको देह को निरोग रखेगा, और वो हवा सब जो है ना भाई एसी में तुरंत बीमारी पकड़ता है उस हवा सब से। हम लोगों के लिए तो भाई ये जन्नत है, हम लोग इस हवा के लिए हम लोगों को तरसना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं ना, जो शहर में रहता है उन लोगों को थोड़ा दिक्कत है इस हवा का, ये हवा उन लोगों को नहीं मिलता होगा। फिर भी भाई ठंडा रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई, प्यास तो लगा हुआ है, बट आप डायरेक्ट चल रहे हैं घर। बगल हालांकि बगल में स्कूल भी है और स्कूल में जा नहीं सकते। सो गाइस फाइनली चलते हैं घर, और हो गया है लहरी काट दिए हैं और अब घर चलते हैं, घर जाकर मिलते हैं लोगों से, बाय। सो फाइनली गाइस आ चुके हैं लहरी काट कर और खाना खा लिए हैं, खाना भी खा लिया, और अभी दुकान पर बैठने आए हैं, पापा को भेजे हैं खाने के लिए। तो अभी दुकान पर बैठे हुए हैं और अब भाई धूप इतना है ना, धूप बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा धूप है निकला हुआ, और गर्म भी है, प्लस में हवा बह रहा है तो उतना नहीं बुझा रहा है,
नहीं तो हवा नहीं बहता तो भाई हालत खराब रहता। तो गाइस फिलहाल अभी बैठे हुए हैं और इसके बाद पापा आएंगे तो जाएंगे सैलून में। और केस बड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं, केस भी कटवाएंगे, दाढ़ी को भी सेटिंग करवाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए पापा को तब तक इंतज़ार करते हैं पापा के लिए। दुकान में बैठे हैं, दुकान चला रहे हैं भाई, और पापा आएंगे तो जाएंगे अपना काम निपटाएंगे, अपना तो कटवाएंगे, आज कटवा ही लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस नहा धोवा कर रेडी हो चुके हैं और बाल भी कटवा लिए हैं, आप देख सकते हैं भाई मस्त लग रहा है। कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो अभी चलते हैं खेत में, लड़का सब अभी बैट बॉल खेल रहा है, तो क्रिकेट खेला है, वही सिम वही देखने चल रहे हैं कौन कौन सब है। आप देख सकते हैं वहाँ पर ये सन उगा हुआ है भाई, डूबने वाला है सन, और उधर लड़का सब खेल रहा है। तो चलते हैं। तो गाइस फाइनली वो लड़का सब उधर खेला है, बड़ा लड़का सब, और छोटा लड़का सब आप देख सकते हैं मेरे पीछे है, सो खेल रहा है पीछे। और सो गाइस फाइनली मैच ख़त्म हो चुका है और अब चल रहे हैं घर। अब देख सकते हैं पिच में दर्शक नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, और हम भी चल रहे हैं घर, खिलाड़ी सब जा चुका है और अभी छोटा लड़का सब का मैच शुरू है। तो ये रहा, तो भाई उस वो सब का मज़ा ही मज़ा है, और अब देख सकते हैं वो सब खेल ही रहा ये है। तो भाई चलते हैं, अब शाम हो चुका है, सूरज ढल चुका है, भाई मैच खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है। जिसका जुनून जो होता है ना मैच में, वही मेरा जुनून भाई नहीं है मैच में, हम नहीं खेलते हैं मैच, शुरू से नहीं खेलते हैं। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं अपने खेत में, और ये रहा अपना खेत, और वो रहा अपना घर सामने। तो आ चुके हैं और चल रहे हैं आप दुकान पर, तो चलिए चलते हैं। कथी तो गाइस आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या चीज़ है। फाइनली आ चुके अपने छत पर, और भाई चौरी का व्यू दिखा रहे हैं जहाँ पर लेगा सब मैच खेला था, सो दिखा ला रहा है। तो गाइस जो रहा खेत, जो अभी भी लड़का सब खेला है, छोटा बच्चा सब अब देख सकते हो, और इसके बगल में जो है सो वहाँ पर बड़े लड़का सब खेल रहा था। तो गाइस खेत के आजू बाजू में ही अपना घर भी है, और अपने घर आए हुए अपने घर के कोठे पर हैं, तो देख सकते हो ये रहा गरीब का टोला भाई। और गाइस ये रहा अपना टोला देख सकते हो, चलते हैं अब दुकान पर, चलते हैं थोड़ा सामान वामान लाना है, शाम तो हो चुका है, पूछते हैं क्या क्या सामान लाना है, तो चलते हैं। सो फाइनली गाइस आ चुके हैं अपने दुकान पर, और भाई सामान वामान नहीं ला पाए क्योंकि रात हो चुका है, और आप देख सकते हैं बत्ती जल चुका है, तो अब नहीं जाएंगे, बिहान जाएंगे सामान लाने के लिए। तो अभी फिलहाल बैठे हुए दुकान में, और आप देख सकते हैं पूरा शाम हो चुका है, सब तरह अनहार ही अनहार है। तो अभी फिलहाल दुकान में बैठे हुए हैं। सो गाइस फाइनली दुकान वकान बंद कर दिया है, और खाना खा भी लिए हैं, और अभी बाज़ार में टहलने आए हैं, खाना खा कर थोड़ा टहलने आते हैं रोज़, तो अभी बाज़ार में टहल रहे हैं, और सोचे बाज़ार अभी ब्लॉग को बाज़ार में ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि रात का 10 बज रहा है और बाज़ार अभी पूरा सुन सन्नाटा है। तो आप देख सकते हैं पूरा भाई लाइट तो बढ़ रहा है, और ये पूरा सुन सन्नाटा है, मेरा भी दुकान बंद है,
हम देख सकते हैं। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड बाय।